हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए अभी बिल्कुल रेनी सीजन स्टार्ट है ना, तो उस टाइम पे इस टाइप का ही कुछ खाने का मन करता है। देख रहे हैं आप, तो ये जो पकौड़ियाँ हैं सिंपल लग रही होंगी आपको, लेकिन बहुत स्पेशल है। तो ये किससे बनी है, इसके लिए चलते हैं मेरे गार्डन में। तो देखिए ये हैं कद्दू के फूल, तो बस ये पकौड़ियाँ जो है ना इसी से बनी है, तो मैंने तोड़ लेती हूँ। तो फ्रेंड्स स्वागत है मेरे चैनल पे, एंड देखिए मैंने कद्दू के फूल तोड़ लिए हैं और अब हम इसी से बनाने वाले हैं पकौड़ियाँ। लेकिन मैं इसके साथ और चीज़ें भी ऐड कर रही हूँ, तो आज की पकौड़ी जो है ना वो मिक्स पकौड़ियाँ हैं। तो मैंने दो फूल लिए हैं क्योंकि अभी बहुत कम लगने स्टार्ट हुए हैं। तो ये हैं कुछ बैंगन, मैंने लिए इसमें दो आलू और ली है चार प्याज, है ना। तो क्वांटिटी क्या करना है आपको, आप अपने अकॉर्डिंग रखिए जितनी आपकी फैमिली है। और ये देखिए मैं अपने गार्डन से फ्रेश वाला कड़ी पत्ता भी तोड़ के ले आई। तो देखिए मैंने सारी चीज़ें ना धो के अच्छे से काट ली हैं। और ये देखिए कद्दू के जो फूल है ना उनको इस तरह से काटा है मैंने, और ये मैंने कड़ी पत्ते भी धो के रख लिए हैं। ये लिए मैंने कुछ मिर्च भी फ्रेंड्स गार्डन से हैं। और ये जो है बैंगन भी मैंने इस तरह से स्लाइस कर ली है इसकी, आलू की भी मैंने स्लाइस प्याज की भी कर ली हैं आलू की भी, तो इस तरह से स्लाइस हमने इसके बना ली है। और तो जो ये है ना बैंगन भी मेरे गार्डन से है। तो जो हम लोग को अपने गार्डन से मिलता है ना फ्रेश वेज, उसका जो स्वाद है ना वो बहुत डिफरेंट होता है। तो चलिए अभी मैंने लिया है ग्राम फ्लोर बेसन और इसमें नमक ऐड कर दिया स्वाद के अकॉर्डिंग। अब इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा। अब इसमें ऐड करेंगे मिर्च पाउडर मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। वैसे मैं जो है मिर्च है ना उन्हें भी फ्राई करने वाली हूँ, बट इतना चलेगा। और इसमें लिया हमने हल्दी पाउडर, हल्दी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ हींग भी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग रखें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो हमने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है और अभी हम इसको क्या करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने इस पेस्ट को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें जो है ना लम्स ना रह जाएं बेसन के। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको पहले। तो देखिए हमारा मिक्स तैयार है, पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। तो पेस्ट की अब देख रहे हैं ना इतनी, तो ऐसे ही इसको ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ये पतला होना चाहिए। एक बार आप पेस्ट को चेक कर लीजिए नमक मिर्च इसमें, एंड अभी इसमें हम लोग कद्दू के जो फूल है ना उसको डिप कर देते हैं। तो इसमें जो एक्स्ट्रा आपको बेसन है ना वो थोड़ा हटा लीजिए, नहीं तो जो उसका फूल है ना जो पकौड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा मोटी बन जाएंगी। तो चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो जो कद्दू के फूल की पकौड़ियाँ हैं ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती हैं, अगर आपने ट्राई किया तो आपको पता होगा, नहीं किया तो अभी करें आप ट्राई, तो बहुत अच्छी लगती हैं ये। तो कद्दू के फूल की पकौड़ियाँ ना बहुत स्वादिष्ट होती हैं, और हम लोग क्योंकि गांव वाले एरिया में है ना, मेरा खुद का भी गार्डन है, तो हम लोग को ये चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। हाँ जो आप लोग शहर में अगर रहते हैं तो वहाँ पर शायद आपको ये चीज़ें अवेलेबल ना हो, पर अगर आपको ये मिलता है ना तो आप इसके ये पकौड़ियाँ जरूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं। तो चलिए अभी मैं दूसरी पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। और मैं बना रही हूँ बैंगन की, इसमें मैंने कड़ी पत्ते वगैरह सब ऐड कर दिए। कद्दू में मैंने कड़ी पत्ता नहीं डाला था क्योंकि वो थोड़ा सा अलग ही फ्लेवर उसका अच्छा लगता है। तो ये सब मैंने देखिए मिक्स कर दिया है। बैंगन भी मैं जैसे स्लाइस मैंने काटे थे ना उसी हिसाब से इसको बनाना है। इसको भी बहुत ज़्यादा मोटा ना रखें, पेस्ट नॉर्मल इसमें लपेटें। और बैंगन भाजी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ना, तो बैंगन के जो पकौड़े हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं। तो इसी चलिए हम लोग सारे बैंगन के पकौड़े तैयार कर लेंगे। और इसी तरह से मैं जो है ना आलू प्याज के जो पकौड़ियाँ हैं वो भी तैयार कर लूँगी। एंड बहुत अच्छा लगता है जो ये रेनी सीज़न है ना, इस टाइम पे बहुत अच्छे इनका स्वाद आता है और खाने का बहुत मन होता है इन चीज़ों को। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियो पर लाइक ज़रूर करना, एंड अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड हाँ फ्रेंड्स बेल बटन भी दबा देना जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो लीजिए तैयार हमारे टेस्टी पकौड़े। तो इन पकौड़ों को आप ना चिली सॉस के साथ, टमाटर सॉस के साथ या किसी भी टाइप की चटनी के साथ खा सकते हैं। तो देखिए मैंने सारे टाइप की जो पकौड़ियाँ हैं ना वो बना के तैयार कर ली हैं। ये हैं जो हैं कद्दू के फूल की पकौड़ी, तो बहुत टेस्टी होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको फूल मिल जाता है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी होती है। तो मैंने कुछ हरी मिर्च की भी पकौड़ियाँ तल ली थी क्योंकि इन पकौड़ियों के साथ इसको जो स्वाद है ना बहुत बढ़ा देता है हरी मिर्च की पकौड़ियाँ। ये है बैंगन, इसी तरह मैंने सारी बना के रखी। तो ठीक है मैं इसे एंजॉय करती हूँ और आप भी इसे ज़रूर बनाएं। तो ठीक है फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।